कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले पर पीएम मोदी ने जताई नाराजगी, कहा उम्मीद है कि जल्द न्याय करेगी ट्रूडो सरकार, दोषियों को दिलवाएगी सजा। प्रधानमंत्री मोदी की दो टूक, कहा डराने धमकाने की हिमायत ना करे कनाडा, भारत हमलों से डरने वाला नहीं है। कनाडा में हिंदू मंदिर में खालिस्तानियों ने किया था हमला, लाठी डंडों से श्रद्धालुओं को मारा पीटा था। कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों ने घटना का विरोध करते हुए नारेबाजी की, भारत माता की जय और बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगाए। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की ट्रूडो सरकार पर निशाना, कहा भारतीय मूल के लोगों को आपस में बांट दिया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले ट्रूडो की गलत नीतियों की वजह से सब हो रहा है, अकाल तख्त मामले में दखल दे। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, मंदिरों पर हमले के लिए कनाडा सरकार जिम्मेदार है, कुछ अतिवादी ताकतों ने हिंदू स्थल पर हमला किया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महायुति आज प्रचार का आगाज करेगी, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस सबसे पहले महालक्ष्मी मंदिर में करेंगे दर्शन। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे भी आज कोल्हापुर से प्रचार की शुरुआत करेंगे, अंबा माता के मंदिर में करेंगे दर्शन। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकरबुद्दीन ओवैसी आज धुलिया और औरंगाबाद जाएंगे, जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में 45 बागियों ने नाम वापस लिए, बीजेपी और कांग्रेस के 10-10 उम्मीदवार पीछे हटे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 8 और अजित पवार की एनसीपी के 6 उम्मीदवार पीछे हटे। उद्धव ठाकरे गुट के 7 और शरद गुट के 4 बागियों ने नाम वापस लिए। मुंबई की माहिम सीट पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला, सदा सरवनकर के नामांकन नहीं वापस लिया, राज ठाकरे ने नाम वापस लेने को नहीं कहा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शर्मा ने नामांकन वापस लिया, अंधेरी ईस्ट से निर्दलीय भरा था पर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस से नाराज समाजवादी पार्टी, अबू आजमी बोले MVA के साथ गठबंधन सिर्फ 2 सीटों पर, हमने किसी पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार को नहीं दिया है समर्थन, मराठा एक्टिविस्ट मनोज जरांगे का बयान। झारखंड के चाईबासा में पीएम मोदी का अटैक, कहा JMM कांग्रेस RJD आदिवासियों का अपमान करती है। पीएम मोदी ने चंपई सोरेन और सीता सोरेन के अपमान का मुद्दा उठाया, कहा चंपई सोरेन का अपमान कोहलान का अपमान है। आज झारखंड के रण में उतरेंगे यूपी के CM योगी, कोडरमा, हजारीबाग और जमशेदपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज झारखंड के चुनावी दौरे पर, हाटिया और लोहरदगा में रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज झारखंड में करेंगे चुनाव प्रचार, हजारीबाग और कांके में करेंगे जनसभा। रायबरेली के लिए रवाना हुए राहुल गांधी, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज हैदराबाद भी जाएंगे राहुल गांधी, जाति जनगणना को लेकर होने वाली एक बैठक में होंगे शामिल। वायनाड में चुनाव प्रचार में जुटी प्रियंका गांधी, पुलपल्ली में किया रोड शो, केरल में अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगी वोटिंग। यूपी, केरल और पंजाब में होने वाले उपचुनाव की तारीखें बदली, अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगी वोटिंग। त्योहारों के चलते चुनाव आयोग ने बदली तारीख। उपचुनाव टलने पर अखिलेश का BJP पर निशाना, कहा टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से दाखिल कुल 3 याचिकाएं की गई हैं। यूपी में मदरसा एक्ट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कर्नाटक के CM सिद्धरमैया की मुसीबत बढ़ी, लोकायुक्त पुलिस ने समन जारी किया, MUDA करप्शन केस में बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया। कानपुर के कल्याणपुर में निजी अस्पताल में नर्सिंग का काम करने वाली युवती से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी अस्पताल का डायरेक्टर इश्तियाक अहमद उर्फ C2 को किया गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को किया गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान पुलिस के रोके जाने पर फायरिंग करते हुए भागा था बदमाश, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। दिल्ली में मॉनेस्ट्री मार्केट के पास DTC की बस में चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, मरने वालों में सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल भी शामिल। दिल्ली के नांगलोई में एक दुकान पर फायरिंग, 3 लड़कों ने हवा में की कई राउंड फायरिंग, मौके से 8 खाली कारतूस मिले, बदमाशों ने दुकान के बाहर पर्चा फेंका। नांगलोई फायरिंग मामले में 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, विदेश के नंबर से गोगी गैंग के नाम से मांगी गई रकम, पुलिस मामले की जांच कर रही है, आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 पक्षों के बीच जमकर चले पत्थर,
पत्थरबाजी का सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। दो पक्षों में किसी बात को लेकर हुआ था झगड़ा। यूपी के बुलंदशहर में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट, दोनों पक्षों की तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, दोनों तरफ से करीब एक दर्जन लोग घायल। यूपी के सहारनपुर में महिलाओं के साथ मारपीट, ब्याज के रुपए को लेकर कुछ लोगों ने की मारपीट, मां बेटी सहित तीन महिलाएं घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। राजस्थान के अलवर में कार हटाने को लेकर मारपीट, झगड़े में मां बेटे की लाठी डंडों से पिटाई, दोनों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती, पुलिस ने दोषियों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी में डीजीपी की नियुक्ति का नियम बदला, अब डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। 2 साल का होगा कार्यकाल, कैबिनेट से मिली मंजूरी। यूपी के गाजियाबाद में सड़क पर गुंडागर्दी, शालीमार गार्डन में मामूली विवाद में पिता और बेटे की बाइक सवार लड़कों ने जमकर पिटाई की। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में देर रात मॉल के पास गाड़ी लगाने के विवाद के बीच फायरिंग, हमले में बाल बाल बचा कार सवार शख्स, कार में लगी गोली, चालक कार छोड़कर जान बचाकर भागा। बेंगलुरु में जीत की जिद में दीपावली की रात शख्स की मौत, दोस्तों से शर्त जीतने के लिए जलते हुए पटाखे पर बैठा था शख्स, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दोस्त ने पटाखों पर बैठने के बदले ऑटो दिलाने की रखी थी शर्त, मृतक शख्स पटाखों से भरे कंटेनर पर जा बैठा, जिसके बाद शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने नशे में सभी दोस्तों को पकड़ लिया। एमपी के जालौन में ट्रैक्टर एजेंसी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आज से शुरू, पटना में नहाए खाए के साथ व्रतियों ने डुबकी लगाकर किया 4 दिवसीय पूजा का अनुष्ठान। आज नहाए खाए पर दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर श्रद्धालुओं ने की पूजा। पीएम मोदी ने मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा पर का फोन पर हाल जाना, एम्स में भर्ती हैं शारदा सिन्हा। क्रिकेटर विराट कोहली आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन, रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के बीच पर उनकी कलाकृति बनाकर दी बधाई।